हाय, कैसे हो आप सब? आज आपका मैं यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सब लोगों का। आप काफी अच्छे होंगे। आज मैं ड्रेस मेजरमेंट कैसे लेते हैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस मेजरमेंट इस कोई भी आपको ड्रेस देता है कस्टमर, उसका मेजरमेंट आपको निकालना आना चाहिए। इसमें 17 पॉइंट्स होते हैं, आप क्लियर लिख लीजिए। आप उसके अंदर मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम लेंथ लेना लेंगे। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। सबसे पहले लेंथ लेंगे, उसके बाद शोल्डर होता है ये वाला, दिस वन शोल्डर, यहां से यहां तक शोल्डर बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है आर्म्स लेंथ, यहां से यहां तक आर्म्स लेंथ होता है। उसके बाद आता है चेस्ट, जहां आर्म्स की लेंथ खत्म होता है वो होती है चेस्ट लाइन। नेक्स्ट आता है वेस्ट लेंथ, जहां से शोल्डर से हम वेस्ट लेंथ लेते हैं। तीन टाइप के पीपल होते हैं, शार्ट एंड मीडियम एंड लॉन्ग, उनके हिसाब से वेस्ट रखा जाता है। वहां पे जहां पे वेस्ट लेंथ आएगा उस जगह से वेस्ट हम लोग विड्थ देखते हैं। उसके बाद आते हैं हिप की बारी। हिप लेते हैं शोल्डर टू, यहां से 20 या 21 तक ले सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहां से भी जहां से आर्म्स है वहां से भी हम ले सकते हैं 13 and 14 तक, ठीक है। वहां पे हिप विड्थ देखा जाता है। एंड लास्ट में एंडिंग विड्थ बोलते हैं, 1 inch दिखाना पड़ता है उसमें। इसके बाद आता है गला, फ्रंट गला कितना डीप है, बैक गला कितना डीप है। उसके बाद आते हैं हैंड्स लेंथ देखते हैं, एंडिंग विड्थ देखते हैं, मिडिल विड्थ देखते हैं, आर्म्स रंग देखते हैं। अभी मैं इस कुर्ती में आपको दिखाती जाऊंगी, इसमें लिखती जाऊंगी। सबसे पहले हमें लेंथ लेना है। लेंथ कितना है देखती हूँ मैं, देखिए इंच डे ये है इंचेस से, इसमें इससे हम लेंथ नापेंगे। सबसे पहले कुर्ती को अच्छी तरह से बिछा लो। आप दोनों किसी तरफ से भी नाप सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने टेप को कहाँ रखा है, मिडिल में रखा है। यहाँ से नापेंगे हम सीधा नीचे तक, नीचे तक आ रहा है 39, ठीक है। रेडी हमको 39 है, तो हम इसमें पहले हम जहाँ लेंथ का पॉइंट लिखा है मैंने वहां पर 39 लिख दिया है। उसमें हमें मार्जिन मिलाना है 1.5 inch, ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट आता है शोल्डर। शोल्डर के लिए हमें जहां से ये शोल्डर है देखिए आप, यहां से नापेंगे हम शोल्डर कितना आता है उतना ही हम रखेंगे। देखिए इनका शोल्डर आ रहा है 14, इनका शोल्डर आ रहा है 15 तक आ रहा है, क्योंकि ये पीछे से बिल्कुल क्लोज नेक है। तो शोल्डर कितना हो गया 15। शोल्डर को के पास लिख लीजिए आप भी 15 inches by 2, 7.5। अगर आपका शोल्डर 14 आता है तो 14 by 2 कीजिए, जिसका जितना आता है उतना ही। उसके बाद हम लेंगे आर्म्स लेंथ, यहाँ से पकड़ेंगे टेप को, देखेंगे आर्म्स लेंथ, ये देखिए 6.5 पे आ रहा है, और यहाँ से आधा इंच इन्होंने डाउन किया है और आधा इंच मार्जिन में लिया है, तो 7.5 लिया है। 7.5 ही शोल्डर लीजिए। उसके बाद आते हैं चेस्ट की बारी। हम चेस्ट लेंगे, देखिए दोनों पॉइंट करेक्ट मिलाना है अपने को। जहाँ पे ये दिख रहा है आपको इस जगह सिलाई, जहाँ सिलाई है वहां से टेप को पकड़ना है आपको, सीधा उस वाले पॉइंट पे जाना है आपको। देखिए यहाँ पे आ रहा है उनका चेस्ट है 20.5 आ रहा है, ठीक है। जितना आता है उतना लिख लीजिए, चेस्ट हो गया 20.5, तो कितना हो 41 हो गया टोटल मिला के 41 दोनों तरफ का, तो मैं 42 डाल रही हूँ, 1 inch लूजिंग डालते हैं। अगर मेजरमेंट का हम ले रहे हैं तो 42 by 4 = 10.5 आएगा, वहाँ पे 2 inch मार्जिन मिलाना है आपको। अब यहाँ यहाँ पे हम लेंगे वेस्ट की लेंथ, तो यहाँ पे टेप आधा इंच ऊपर रखिए, यहाँ से नापिए, देखिए यहाँ पे 14 inch पे लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आते हैं यहाँ से 14 inch पे लीजिए, ठीक है। 14 पे
वेस्ट का लेंथ आ गया, तो हम वहां से ही 14 के लिए वेस्ट का विड्थ देखेंगे। यहां से पकड़ेंगे हम टेप को, तो बिल्कुल कपड़े को अच्छी तरह खींचना है। 20 आ रहा है इनका वेस्ट, 20 मतलब 40 हो गया। 40/4 = 10 ब्रैकेट 2 इंचेस मार्जिन, ठीक है। अब आते हैं हम हिप पे, हिप का लेंथ देखना है हमें। यहाँ जहाँ चेस्ट लाइन है वहां से भी देख सकते हैं हम, नहीं तो ऊपर से शोल्डर से 21 लेने से बिल्कुल सही आता है। तो इनका आ रहा है 13.5 पे, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से इनका इनका थोड़ा ऊपर है, थोड़ी शार्ट है, इसलिए इन्होंने इनका कम आया है। तो हमें यहाँ से दिखाते हैं, आपको यहाँ से दिखाती हूँ कहाँ पे आ रहा है, वहीं पे हम रखेंगे। तो 12.5 आ रहा है, तो आधा इंच इसमें चला जाएगा, तो 13 इंच 13.5 तक हम रख सकते हैं। 13.5 हिप लेंथ है, चेस्ट टू हिप लेंथ। उसके बाद आएगा हिप विड्थ। अब देखिए हिप कहाँ है, अपने को यहाँ जहाँ कट है वहाँ पकड़ना है, उंगली रखनी है और टेप को अच्छी तरह पकड़ना है, ऐसे बिल्कुल सीधा लेके जाना है। देखिए कितना है, 22 एक 44 हो गया, तो हिप हो गया 44। हिप विड्थ है 44/4 11 ब्रैकेट 1 इंच, हम 1 इंच कट्स के लिए फोल्ड के लिए लेते हैं। अब आते हैं हम एंडिंग विड्थ पर, जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको एंडिंग विड्थ बोला जाता है। ये देखिए आप, अब इसको हम नापेंगे। देखिए बिल्कुल टेप सही रखी है, वहां पे रख के यहां से बिल्कुल नापना है अपने। 24 आ रहा है, मतलब 12 एंडिंग विड्थ हो गया 24, 48 मतलब 48/4 = 12 ब्रैकेट 1 इंच, नहीं तो हिप प्लस 1 भी कर सकते हैं हम। हिप 11 है, उसमें 1 जोड़ा तो 12 आया, मार्जिन 1। बिल्कुल हमारा जो फार्मूला है उसी के हिसाब से ये रेडीमेड ड्रेस दिया है उन्होंने नाप के लिए, बिल्कुल फार्मूला के हिसाब से आया है ये। अब देखिए हम नेक विड्थ देखते हैं इनकी, नेक विड्थ क्योंकि हमें शोल्डर ये देख सकते हैं हम लोग, जहाँ पे ये आर्म्स, ये जो शोल्डर है ये वाला, इसको भी हम नाप सकते हैं। ये 4 इंच आ रहा है, तो हमारा कितना हुआ, 7.5 शोल्डर है, तो 4 निकालने से 3.5 हाफ इंच इधर उधर सिलाई में चला जाएगा, तो 3 इंच बचेगा, क्योंकि ये बैक बहुत कम है इसलिए हमें विड्थ 3 इंच देना है, ठीक है। तो विड्थ हो गया नेक विड्थ 3 इंच। अब देखते हैं फ्रंट नेक लेंथ कितना है, आप बिल्कुल ऐसे इसको रखिए, हाफ इंच ऊपर रखिए और बिल्कुल सीधा लेके जाइए। अब इस कोने को यहाँ जहाँ पे ये पॉइंट है उसको सीधा लेके आइए, यहाँ पे 6.5 आ रहा है इनका नेक है, फ्रंट नेक है 6.5, फ्रंट नेक 6.5 है, ठीक है। अब हम बैक नेक भी नापते हैं, बैक की तरह घुमाएंगे ऐसे, देखिए बैक नेक यहाँ से हम रखेंगे, आपने ऊपर रखेंगे ऐसे। अब यहाँ से हमें देखना है, ये देखिए तो 2 इंच है, तो बैक 2.5 हो गया, हाफ इंच ऊपर चलाएंगे, ये 2 इंच पे है, तो 2.5 बैक नेक है, बैक नेक 2.5 लेंथ, ठीक है। अब आती है हैंड की बारी, अभी देखिए हैंड ये है एल्बो हैंड, बस कस्टमर ने हमें 3/4 बोला है बनाने के लिए, तो हमें उस टाइम हमको एल्बो नहीं लेना है। देखिए एल्बो का ऐसे नाप ले लीजिए, आपको मैं एल्बो का भी सिखा देती हूँ। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, जैसे आपको मैं इसमें लिख नहीं रही हूँ, आपको खाली समझा रही हूँ एल्बो हैंड कैसे लेते हैं। ये आ रहा है 10 लेंथ हो गया 10, तो उसमें हमें 1.5 इंच मिलाना है, तो 11.5 आएगा। अब हमें देखना है मिडिल विड्थ, ये चीज होती है मिडिल विड्थ, यहाँ से पकड़ना है। ये चीज आपको समझ में आ गया तो आपको हैंड बिल्कुल सही आए। देखिए
पॉइंट यहाँ से पकड़ना है, देखिए बिल्कुल सिलाई के पास से पकड़ना है अपने को, बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखना है, ठीक है। तो 7.5 का मिडिल विथ 7.5, 2 इंच मार्जिन। अब देखिए, अब हमने एक आर्म्स राउंड को भी चेक करते हैं, हमेशा आर्म्स राउंड सही होगा तो आपका ड्रेस बिल्कुल सही आएगा। तो आर्म्स राउंड चेक करने के लिए हमें पीछे वाले पार्ट को लेना पड़ता है। देखिए बिल्कुल टेप को बिल्कुल करेक्ट रखिए, ऐसे ऐसे टेप को पकड़ के ऐसे घुमाना है अपने को, बिल्कुल ऐसे ही 8.5 आ रहा है, बिल्कुल देखिए। जब अगर मिडिल विथ आपका 7.5 आएगा तो आर्म्स राउंड 8.5 आएगा, ये 1 इंच का डिफरेंस रहता है। तो हम सिलाई फिटिंग देते टाइम आर्म्स राउंड को भी चेक करते हैं, तो 8.5 आर्म्स राउंड है, ठीक है। अभी इनका ये एंडिंग विथ ऐसे एल्बो बता रही हूँ, पर ये एल्बो हैंड नहीं है, ये एंडिंग विथ इनका है एल्बो पे 5.5 इंच, ठीक है। अगर आपको एल्बो बनानी है तो इस तरह नापिए। अभी हमें इनकी 3/4 हैंड बनाना है, तो हमें 15 इंच लेना है, लेंथ 15 लेना है, उसमें 1.5 मिलाना है, तो कितना होगा 16.5। तो हम हैंड लेंथ लिखेंगे, हैंड लेंथ रेडी 15 है, 1.5 इंच सीमिंग अलाउंस, तो 16.5, ठीक है। अब हमें हैंड का शेप कट करते हैं, तो ये हो गया 42 साइज, तो 3.5 इस पे शेप कटिंग होगी, 3.5 शेप कटिंग, और हैंड का हैंडिंग विड्थ है 5 इंचेस, ब्रैकेट 1.5 इंच। टोटल मेजरमेंट हो गया है, देखिए अब मैं आपको थ्री में भी बताती हूँ, क्लियर। देखिए आप ऐसे दिखाती हूँ आपको ड्रेस, मैंने पूरा मार्किंग किया है। हमने सबसे पहले देखिए, आप दिखते जाइए, बिल्कुल आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगा ऐसे नाप लेने से। सबसे पहले हमने लेंथ लिया है 30 इंचेस, उसमें 1.5 मिला है, सॉरी 39 है, उसमें 1.5 मिला है, तो 41.5 आएगा। तो ये टोटल लेंथ हो गया 41.5, ठीक है। और अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, शोल्डर है 7.5, तो टोटल कितना हो गया 15 इंचेस शोल्डर, ठीक है। और इधर ये 7.5 है, ये 7.5, ठीक है, टोटल 15 है। ये पूरा मैंने खोल के दिखाया आपको ड्राफ्टिंग, ठीक है। अब आती है आर्म्स लेंथ, इस तरफ का आर्म्स लेंथ ये है, इस तरफ का आर्म्स लेंथ ये है, ये है 7.5, ये भी 7.5, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेस्ट लाइन, तो चेस्ट यहां से हम ये सिलाई वाला मार्जिन है, यहां से यहां तक 42 है, तो कितना हो गया उसका आधा, 42 का आधा 10.5, फोर्थ पार्ट होता है 21, तो यहाँ पे हम 10.5 लिखेंगे, इस जगह भी हम 10.5 लिखेंगे, ठीक है। टोटल आ जाएगा आपको 21 आ जाएगा। अब आता है 2 इंच मार्जिन, 2 इंच मार्जिन। अब यहां से मैंने शोल्डर से वेस्ट लेंथ लिया है 30.5, यहाँ पे विड्थ आया है इनका 40, तो यहाँ पे आएगा इनका 10 इंचेस, ये 2 इंच है, यहाँ पर 10, ये 10 2 इंच मार्जिन। अब देखिए, अब यहां से आता है आपको शोल्डर से हिप के लिए, चेस्ट टू हिप 13.5 है लेंथ, 13.5, यहां से विड्थ है 11 इंचेस, ठीक है, 11 इधर 11 इधर, 1 इंच मार्जिन, 1 इंच मार्जिन, टोटल 22, ठीक है। अब आता है एंडिंग विथ, जो सबसे लास्ट में है, हिप प्लस 1 12 इंचेस, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, 1 इंच मार्जिन। ये मैंने ड्राफ्टिंग बनाई है आपको क्लियर से बताने के लिए, देखिए आप क्लियर,
ये देखिए पूरे पॉइंट आप लिख लीजिए। सबसे पहला नंबर वाला है लेंथ, नेक्स्ट है शोल्डर, आर्म्स लेंथ, चेस्ट विड्थ, वेस्ट लेंथ, वेस्ट विड्थ, हिप लेंथ, हिप विड्थ, एंडिंग विड्थ, नेक विड्थ, बैक नेक लेंथ, फ्रंट नेक लेंथ, हैंड लेंथ, मिडिल विड्थ, एंडिंग विड्थ, शेप एंड आर्म्स राउंड। 17 पॉइंट्स आते हैं। अगर ये पॉइंट आप सही लिख के ऐसे मेजरमेंट बना के आप में भी रख सकते हो। कस्टमर का नेम लिखना है अपने को सबसे पहले, और जब भी वो आएगा ये ही पेज निकालो, आप अपना कटिंग कीजिए। ठीक है, आज आपको बहुत अच्छा मैंने क्लास बताया है, आपको बहुत समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाना, जो भी नए देख रहे हैं बेल बटन दबाना नहीं भूलिए। और आगे मैं बहुत सारे वीडियो देती रहूंगी, और अलग अलग कपड़ों के लिए भी मैं वीडियोस बना रही हूँ। आपको मटेरियल भी मैं सप्लाई करना चाहती हूँ, साड़ीज, ब्लाउज, लहंगास, पूरे ड्रेस जो डिजाइनर ड्रेस बनते हैं वो सारे चीजें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरे चैनल को आप आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार नोट्स में मैं दिखा रही हूँ, फिर पॉइंट्स देखिए। सबसे पहले लेंथ है, उसके बाद है शोल्डर, नेक्स्ट आर्म्स लेंथ, नेक्स्ट चेस्ट, वेस्ट लेंथ, वेस्ट विड्थ, हिप लेंथ, हिप विड्थ, उसके बाद एंडिंग विड्थ, नेक विड्थ, बैक नेक लेंथ, फ्रंट नेक लेंथ, उसके बाद है हैंड लेंथ, मिडिल विड्थ, आर्म्स राउंड, शेप और एंडिंग विड्थ। ये 17 पॉइंट्स आप नोट करके किसी भी मेजरमेंट सही लीजिए। ये ड्राप देखिए, पूरा मैंने शोल्डर दिया है 15 इंचेस, नेक विड्थ है यहाँ पर 6 इंचेस, हैंड आर्म्स लेंथ है 7 1/2, और चेस्ट है 22 मतलब 10 1/2 10 1/2, और वेस्ट है 40 10 10, और एंडिंग विथ है 11 11। ये पूरा मैंने ड्राप बनाया है। ऐसे आप नाप भी लिख लीजिए बुक में, ऐसे कीजिए, आपको पूरा जिसका भी नाप हो एकदम परफेक्ट आएगा। और पूरे पॉइंट्स सही मेजरमेंट लोगे तो आप किसी का भी ड्रेस बना सकते हो। कोई मेजरमेंट देता है, कोई नहीं देता है, तो उनका ड्रेस जैसा है वैसे बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।